अलवर के बड़ोदामेव थाना अंतर्गत भ्याड़ी गांव के एक व्यक्ति का हरियाणा के इब्राहिम का बाज में कराए जबरन धर्म परिवर्तन का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। आज अलवर में होप सर्कस पर हिंदूवादी संगठनों ने प्रदर्शन किया, तो वहीं पूर्व भाजपा विधायक ज्ञानदेव आहूजा पीड़ित के घर भ्याड़ी गांव पहुंचे और परिजनों से मिले। इस दौरान आहूजा ने कहा कि मेवात क्षेत्र हिंदुओं के शोषण का गढ़ बन गया है। हरियाणा में 103 गांव हिंदू विहीन हो चुके हैं और 78 गांव में हिंदू नाम मात्र के बचे हैं, लेकिन राजस्थान में ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। सरकार को और प्रशासन को चेतावनी देते हुए आहूजा ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही नहीं की गई तो आगे आंदोलन किया जाएगा। हमारे बड़ौदा में और आसपास के गांवों के सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ हमारे जिला महामंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी श्री राम जी, मुकेश मिश्रा जी हमारे जिला प्रांत स्तर के कार्यकर्ता हैं, नंदराम गुर्जर और मंडल अध्यक्ष हमारे, बाकी प्रमुख कार्यकर्ता सभी, इनके साथ हम लोग भयाड़ी होके आ रहे हैं। और भयाड़ी में वहाँ बाकी लोगों को तो बहुत गांव में लगता डर है। एक बुजुर्ग को बुलाया तो उसका जो कहना था वो आप लोगों ने शायद रिपोर्ट किया हुआ कि भाई वो इतना सब सुई चुभोते हैं तो दर्द होता है, पर उसने नीचे से कटवा लिया मतलब उशारा तो दर्द तो हुआ होगा। तो मैंने कहा कोई लोभ लालच में, बोला सब कोई लालच में, लोभ में लालच में या दबाव में धमकी में, तो ये निश्चित है कि इसमें धमकी और दबाव भी चला है। जैसा मौलवियों ने पूरे देश और दुनिया में, फ्रांस हो या इंग्लैंड हो, अमेरिका हो या जापान हो, सब जगह जिस के मुल्लाओं ने कठमलाओं ने और इस्लाम के नाम पर अत्याचार लोगों पे कर रहे हैं। मैं संक्षिप्त में बोलूं, अभी दिल्ली में सुशील का खेलते हुए भजन गाते हुए कीर्तन करते हुए मर्डर हुआ है। वहीं इस मामले में आज विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने होप सर्कस पर प्रदर्शन करते हुए लव जेहाद व जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ आक्रोश जताया। कल जिला प्रशासन को आरोपी के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने के लिए ज्ञापन दिया जाएगा। कार्यवाही नहीं की गई तो 2 तारीख के बाद आंदोलन किया जाएगा। गढ़ में हरियाणा के बल्लभगढ़ में जो निकिता तोमर नाम से एक लड़की थी, उसको लव जिहाद का शिकार बना करके एक मुसलमान परिवार जो इसका राजनीतिक रसूख बड़े जमाने से है, उस परिवार के द्वारा निर्मम हत्या कर देना, गोली चलाकर हत्या कर देना और उसको मारने के बाद उससे पहले उस पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाना, लव जिहाद के लिए दबाव बनाना कितना कृतज्ञ और कठोर अपराध है, कितना दुस्साहस उन लोगों के द्वारा किया जा रहा है। आज हम अलवर की धरती की बात करते हैं तो अभी एक ऐसी समाज का बड़ौदा मेव का एक केस आया है जिस परिवार को जबरन धर्म परिवर्तन करवाया गया और 2 साल से उस परिवार को रखा गया। ऐसा ही एक केस मालवी नगर में एक ब्राह्मण समाज के परिवार का आया, अभी लेटेस्ट केस आए जिसमें धर्मांतरण के काम इन समाज मेव समाज के द्वारा, यहाँ की मेवात के द्वारा खुले तौर पर किए जा रहे हैं। और जब प्रशासन में कानून व्यवस्था के नाम पर जब परिवार आते हैं तो मुकदमे दर्ज नहीं किए जाते और उनको टुलाया जाता है, और उनके जनप्रतिनिधि यहाँ जो बैठे हुए हैं, जो चाहे किशनगढ़ क्षेत्र में हो, चाहे कई घटनाएं अभी आई हैं सामने किशनगढ़ क्षेत्र की और रामगढ़ क्षेत्र की, उनके जनप्रतिनिधि, उनकी जो विधायक है सफिया खान, वो भी खुल्लम खुल्ला उनको सपोर्ट करती है। और मैं इस चीज़ का, हम पूरा हिंदू समाज, सर्व समाज, यहाँ 3600 बिरादरी के लोग उपस्थित हुए हैं, इसमें ब्राह्मण समाज, जाट समाज, राजपूत समाज, विभिन्न हिंदू समाजों के धार्मिक संगठनों के लोग, लॉकडाउन और ये जो कोरोना वैश्विक महामारी के कारण से संख्या को ध्यान में रखते हुए प्रमुख लोग आए हैं, उन लोगों के द्वारा यह कार्यक्रम किया है। 2 तारीख को हम लोग कलेक्टर ऑफिस में ज्ञापन देने के लिए 12 बजे सही कलेक्टर ऑफिस जाएंगे और इसका पुरजोर तरीके से प्रशासन के सामने विरोध करेंगे। यदि प्रशासन जल्दी समय रहते इस चीज़ पर रोक लगाए, नहीं तो सर्व समाज, संपूर्ण हिंदू समाज इस पर पूरा बड़ा आंदोलन करने जा रहा है। बहुत ही धर्म परिवर्तन, लव जिहाद की घटनाएं हो रही है, इसका उदाहरण आपको हम मालाखेड़ा में हुआ है, बड़ौदा में हुआ है और लव जिहाद का जो बल्लभगढ़ का हुआ है वो सबके सामने है, एक राष्ट्रीय मुद्दा है और ये कई जगह हो चुका है। ये घटनाएं सरेआम इतना मनोबल इन लोगों का बढ़ चुका है कि पुलिस कार्यवाही ढंग से नहीं होती है। विश्व हिंदू परिषद, जिला अलवर, बजरंग दल दोनों ने निश्चित किया है कि आज ये प्रदर्शन तो हम एक सांकेतिक प्रदर्शन है, 2 तारीख को हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे, पूरे जिले में जितनी घटनाएं हो रही है उनसे अवगत कराएंगे, लव जिहाद की, धर्म परिवर्तन की, गोकशी की और भी कई घटनाएं हो रही है, ये
भूमि अतिक्रमण की जो जमीन जायदाद जायदाद है उसकी और मूर्ति विखंडित की हो रही है कई जगह। दो तारीख की ज्ञापन के बाद में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल बहुत बड़ा आंदोलन करेगा अगर इस पर कार्यवाही नहीं हुई तो।